हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में सीसैम काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा ए टू जेड सब कुछ सीसैम काउंसलिंग के बारे में। आज आप मैं आपको बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पेशेंस रख के स्पीड बढ़ा के 1.25 या 1.5x पे देख लीजिए, तो आपको सब कुछ चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली सीसैम काउंसलिंग होते हैं तीन तरह के, हमें मतलब है सीसैम स्पेशल से। सीसैम स्पेशल से आपको क्या क्या इंस्टीट्यूट मिल सकता है? आपको एनआईटीज, ट्रिपलआईटीज एंड जीएफटीज मिलेंगे। आईआईटीज डोंट पार्टिसिपेट इन सीसैम, आईआईटीज के लिए लास्ट राउंड है जो सा राउंड 5। ओनली सीआरएल इज यूज्ड इन सीसैम काउंसलिंग, बट ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा कैटेगरी कैंडिडेट्स को, एससी एसटी को आराम से 3-4 लाख रैंक पे बढ़िया एनआईटीज मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीआरएल रैंक यूज होगा बट कैटेगरी बेनिफिट इधर भी आपको मिल रहा होगा। एंड सीसैप में बेसिकली तीन तरह के काउंसलिंग होते हैं, सीसैप स्पेशल, सीसैप सुपर न्यूमरी एंड सीसैप एनी। तो सीसैप स्पेशल के बारे में तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही आगे, बट ये दोनों के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। सो अगर आप ये दोनों काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आपको जरूर इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो सीसैप सुपर न्यूमरी राउंड में बेसिकली कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सो अगर आपने अपना क्लास 12th ये यूनियन टेरिटरीज से करे थे, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, सो ये 3-4 यूनियन टेरिटरीज से अगर आपने अपना क्लास 12th करे हैं, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा फॉर एडमिशन टू सुपर न्यूमरी सीट्स इन सिलेक्टेड एनआईटीज, एनआईटी दुर्गापुर, कैलिकट, एसबीएनआईटी सूरत। जैसे अंडमान एंड निकोबार का बहुत अच्छा कोटा मिलता है एनआईटी दुर्गापुर में, आपको 80% में एनआईटी दुर्गापुर सीएस मिल जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर इसमें से कोई भी यूनियन टेरिटरीज में आते हैं तो इसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके साथ साथ और एक है सीसैप एनईयूटी, इसके लिए काफी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। इसमें बेसिकली आप एलिजिबल होंगे अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से है, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप इधर का डोमिसाइल होना चाहिए, आपको काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। सीसैप स्पेशल में भी बेनिफिट मिलता है बट सबसे ज्यादा मिलता है ये दोनों काउंसलिंग में फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीसैप काउंसलिंग के लिए। तो बहुत सारा आप कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, 9 तरह के स्टूडेंट है, ये कॉम्प्लेक्स करके दिया है सीसैप वेबसाइट में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, बस आपका 75% होना चाहिए क्लास 12th में, नहीं तो आप टॉप 20% में आना चाहिए। एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए 65%, 75% बेसिकली है फॉर जेनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। सो जो समय आप चाहे जो भी करे हो आप सीसैप में बिल्कुल बैठ सकते हैं, आपको बैठना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा रैंक पे आराम से कॉलेज मिल जाएगा, लाख रैंक पे कॉलेज मिलता है सीसैप में, तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्या प्रोसेस है, तो एक एक करके ये स्टेप्स आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है बेसिकली रजिस्ट्रेशन, सीसैप वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, जैसा आपने जो समय करे थे वैसे ही सिमिलर चॉइस फिलिंग करना है। एंड चॉइस फिलिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दिया है, उसमें हम बेस्ट पास वाला चॉइस फिलिंग लिस्ट आपको दे देंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइस लॉक कर देना है एंड देन आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। तो राउंड 1 में अगर आपको पहली बार सीट मिलता है आपको चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा एंड फी पेमेंट करना पड़ेगा 35,000 फॉर जेनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, एंड फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। बट अगर आपने जो समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए थे एंड एसएफ पीएफ पेमेंट कर दिए थे जो समय, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा। उसके बाद सीसैप राउंड 2 का रिजल्ट आएगा एंड सीसैप राउंड 2 रिजल्ट के बाद आपको फाइनली फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। डेट्स आ जाएगा आपके कॉलेज वेबसाइट में, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा फाइनली उस कॉलेज वेबसाइट में आपको चेक करना है। मान लीजिए आपको एनआईटी राउरकेला मिलता है, सो एनआईटी राउरकेला के वेबसाइट पे कब आपको रिपोर्टिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब आपको हॉस्टल मिलेगा, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ होगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं, एक मिथ है कि सीसैप में कोई कैटेगरी बेनिफिट नहीं, तो नो कैटेगरी बेनिफिट इन सीसैप, ये बहुत लोगों को लगता है। तो इवन दो सीआरएल इज यूज्ड बट जेनरल कांट टेक 60% रिजर्व सीट्स, सो जेनरल के लिए उतना भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बट हाँ 1 लाख तक कॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लोग कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका जो 10 या 20% रिजर्वेशन है वो सीट्स जनरल कैंडिडेट्स नहीं ले सकते, तो आपको ज्यादा रैंक पे इसलिए मिल जाता है, लाखों रैंक पे कॉलेज मिलता है सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स को। कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन टेक देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सीट्स, सो अगर एक ओबीसी कैटेगरी का सीट खाली है तो वो एक ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट ही ले सकते हो, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जनरल वो सीट नहीं ले सकते। सो इसलिए सीसैप में काफी सीट्स वैकेंट रहता है, कैटेगरी कैंडिडेट्स को आराम से कॉलेज मिल जाएगा, दैट्स व्हाई दे गेट सीट इवन व्हेन रैंक इज इन लैक्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट कंपेयर जनरल कट ऑफ एंड कैटेगरी कट ऑफ 23 डेटा कोई भी कॉलेज का उठा के देख लीजिए, आपको दिखेगा कि जनरल में अगर कोई 50,000 पे बंद हो रहा है तो ही एस सी एस टी में आपको 2-2.5-3 लाख पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली बेनिफिट है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का भी उतना नहीं है बट हाँ बेनिफिट आपको मिल जाएगा सारे कैटेगरी स्टूडेंट्स को, तो ये सीआरएल बस यूज होता है, बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं सीसैप स्पेशल के बारे में, हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, सीसैप एनईयूटी एंड सीसैप सुपर न्यूमरी अलग है, उसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका सब कुछ प्रोसेस अलग है। सो 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीसैप के वेबसाइट में, csf.nic.in ये वेबसाइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड इसके साथ रजिस्ट्रेशन फी भी आपको पेमेंट करना है, तो वो कितना है आगे मैं बताऊंगा वीडियो में।
इसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ccf.nic.in, एंटर जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन। तो कुछ बेसिक डिटेल्स आपको एंटर कर लेना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन सीसीएफ में कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है सीसीएफ की वेबसाइट में। तो रजिस्ट्रेशन फी आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो बेसिकली ये फी स्ट्रक्चर है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है, आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो मैं इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो लोग सीसीएफ में पहली बार रजिस्टर करेंगे या फिर आप जोसा में पार्टिसिपेट करे थे बट आपको कोई सीट नहीं मिला जोसा में, या फिर आपको सीट मिला था बट आपने पेमेंट नहीं किया जोसा में, तो ये सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को 45,000 देना है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। इसमें से 5,000 आपका नॉन रिफंडेबल है, जो प्रोसेसिंग चार्जेस है बेसिकली। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो 5,000 काट के बेसिकली 40,000 आपको रिफंड मिल जाएगा। तो 45,000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 25,000 फॉर एससी एसपीडब्ल्यूडी। एंड किस स्टूडेंट को कितना रिफंड मिलेगा ये भी आगे मैं बताऊंगा। अगर आपने एसएफ पेमेंट कर दिए थे बट डिडंट पे पीएफ पार्शियल एडमिशन फी, तो आपको देना पड़ेगा 17,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 14,500 फॉर एससी एसपीडब्ल्यूडी। एंड अगर आपने दोनों सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट कर दिए थे तो आपके लिए सिर्फ फीस है 5,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसएसटी, सारे कैटेगरी के लिए बेसिकली फीस है 5,000 एंड ये 5,000 नॉन रिफंडेबल है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं अगर आपको कोई सीट मिलता है सीसीएफ में कोई भी राउंड में तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को 35,000 पेमेंट करना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 12,500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। बट जो लोग एसएफ एंड पीएफ जो समय दोनों पेमेंट कर दिए थे, आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, नो नीड टू पे एनीथिंग, जस्ट चूज विलिंगनेस आफ्टर सीसीएफ राउंड वन रिजल्ट। तो अगर आप चाहते हैं आपका जोसा वाला सीट सीसीएफ में रहे, आपको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना है, तो ये स्टेप अगर आप कर देते हैं तो आपका जोसा वाला सीट सीसीएफ में भी रहेगा आपके पास। अगर आप हमारा हेल्प डेस्क ज्वाइन करते हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए, तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया से आपका काउंसिलिंग हम करा पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी रिस्टोरेशन के। तो अगर आपका कैटेगरी चेंज हो गया था, आपने सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाए जो समय, तो आपको फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है सीसीएफ में कैटेगरी रिस्टोर करने का। अगर आप ओबीसी से जनरल में आ गए थे तो आप फिर से ओबीसी में वापस जा सकते हैं अगर आपके पास अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। तो कैटेगरी रिस्टोरेशन का डेट है 26 जुलाई से 27 जुलाई, तो ये 2 दिन के अंदर आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन कर लेना है। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको जरूर जनरल में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सीट मिल जाता है कोई तो वो सीट कैंसिल हो जाएगा अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। इससे अच्छा है आप स्टार्टिंग में ही जनरल में आ जाइए, जनरल रैंक पर आपको सीट मिलेगा एंड फिर वो सीट आप पेमेंट करके कन्फर्म कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करते, जनरल में नहीं आते, तो बाद में वो वाला सीट चला जाएगा एंड फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा सीसीएफ रजिस्ट्रेशन के टाइम में। बट ये आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी रजिस्ट्रेशन मतलब ये नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी में जा रहे हैं, सारा चीज जनरल से कोई और कैटेगरी के बीच में हो रहा है, क्योंकि आपके पास ईडब्ल्यूएस रैंक ही नहीं है। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी से जनरल में आ सकते हैं एंड नहीं तो ओबीसी में रह सकते, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में आप नहीं जा सकते। इसके बाद ऐसा कुछ पोर्टल आपको दिख रहा होगा, इधर सारे चॉइसेस होंगे, तो इधर ऐड करके आपको क्लिक करना है, तो इधर आ जाएगा सारा चॉइसेस एंड उसको अरेंज कर लेना है ऊपर नीचे करके। एंड चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बेस्ट है, अगर आप हेल्प डेस्क ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर वे में सब कुछ हम दे रहे होंगे, बेस्ट पास वाला चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। इसमें आपके रैंक के हिसाब से हम आपको चॉइस फिलिंग अरेंज करके देंगे, उसको आपको एज इट इज भर देना है सीसीएफ वेबसाइट में। तो ये चीज मिल रहा है सिर्फ 499 में, सारा ये फैसिलिटीज आपको मिल रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा, टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग अनलिमिटेड, चैट सपोर्ट, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड वे में, बेस पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन वे में ये जो लिस्ट मिल रहा है ये आपका करियर बना देगा, आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हम देंगे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बस ज्वाइन कर लेना है। एंड ये लास्ट ईयर का कुछ रिव्यू है जो सा सीसीएफ काउंसिलिंग हेल्प डेस्क का, जो सीसीएफ काउंसिलिंग खत्म होने के बाद मैं लिया था, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं चॉइस लॉकिंग। सो चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करना है। सो वैसे तो ऑटो लॉक हो जाता है बट बेटर रहेगा अगर आप मैनुअली लॉक करते विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, तो इसको लॉक कर देना। सो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बाद फाइनली सीसीएफ राउंड वन का रिजल्ट आएगा। आफ्टर द चॉइस फिलिंग सीसीएफ विल रिलीज द सीट अलॉटमेंट, सीसीएफ कंडक्ट्स 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप है चूज विलिंगनेस करना पड़ेगा, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विथड्रॉ, एग्जिट। तो ये 6 ऑप्शंस है, इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में इन तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चूज विलिंगनेस पे बेसिकली फ्रीज मतलब आपको जो सीट मिले आप उससे सेटिस्फाइड है एंड डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसीएफ राउंड टू। तो अगर आपको जो सीट मिले आप उससे खुश है, आप नहीं जाना चाहते राउंड टू में, तो फ्रीज कर दीजिए, फिर उसी कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है आफ्टर सीसीएफ राउंड टू। उसके बाद है फ्लोट ऑप्शन, तो फ्लोट ऑप्शन बेस्ट रहेगा क्योंकि फ्लोट में आपको जो सीट मिलता है वो सिक्योर हो जाएगा एंड उसके ऊपर में मान लीजिए आपको 10th वाला चॉइस मिला है तो सेकेंड राउंड के लिए ऊपर के 9 चॉइसेस कंसिडर होगा, तो उस ऊपर के 9 चॉइसेस में से आपको अगर कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो
फिर टेंथ वाला चॉइस आपके पास रहेगा ही, टेंथ वाला सीट आपका कॉन्फर्म हो जाएगा। तो फ्लोट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद है स्लाइड। स्लाइड मतलब बेसिकली आपको मान लीजिए कोई कॉलेज मिला है NIT राउरकेला का केमिकल, तो उसके ऊपर में NIT राउरकेला का ही जो जो ब्रांचेस है वही आपको सिर्फ मिल सकता है। आप अगर स्लाइड चूज करेंगे बेसिकली सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच आपको मिलेगा, एंड फ्लोट में बेटर कॉलेज आपको मिलेगा एंड बेटर ब्रांच उसके साथ, एंड स्लाइड में सिर्फ आपको सेम इंस्टीट्यूट का बेटर ब्रांच मिलेगा। तो आई थिंक आप समझ गए। इसके बाद बात करते हैं सरेंडर विथ जो एग्जिट। तो सरेंडर मतलब आपको जो सीट मिले आप उसको रिजेक्ट करते रहे, वो आपको पसंद नहीं है, बट आपको राउंड टू में भी पार्टिसिपेट करना है। राउंड टू में इससे अगर आपको कुछ बेटर मिले तो आपको वो चाहिए, बट ये सीट आपको पसंद नहीं है। सो बेसिकली अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड टू विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम द चॉइसेस हायर देन द सरेंडर सीट। तो मान लीजिए आपको 25th चॉइस मिला है तो वो सीट आप सरेंडर करते, सो उसके ऊपर के 24 चॉइसेस में से कुछ आपको मिल जाएगा नेक्स्ट राउंड में, अगर मिलना होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं अलॉट होगा। तो सरेंडर थोड़ा रिस्की ऑप्शन है। एंड विथड्रॉ मतलब जो लोग बेसिकली और कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपको ये सीट नहीं चाहिए, तो सीसैप राउंड वन लास्ट राउंड है, जरूर विथड्रॉ कर लेना अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि राउंड टू में अगर आप चले गए फिर आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा। यू रिजेक्ट द करेंट सीट एंड डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन राउंड टू एज वेल। विथड्रॉ मतलब आप रिजेक्ट कर रहे हैं एंड पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते। सरेंडर मतलब आप ये सीट रिजेक्ट कर रहे हैं बट आप राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड विथड्रॉ। एंड एग्जिट मतलब ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु डिडंट गेट एनी सीट इन सीसैप राउंड वन। तो आपको अगर लग रहा है कि नहीं मिलेगा कुछ तो एग्जिट कर सकते हैं, वैसे तो राउंड टू तक चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड टू। जिनका रैंक बहुत ज्यादा है उनको सीसैप राउंड वन में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन बचा रहता है प्राइवेट कॉलेजेस का, तो ये नंबर्स पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिधर आपको 9 to 10 lakhs में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा एंड डिसेंट प्लेसमेंट होता है, 5 to 6 एवरेज है। तो आप बात कर सकते हैं इस नंबर्स पे। व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड वन। तो सीसैप में अगर आपको पहली बार सीट मिला है आपको चूज विलिंगनेस करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड देन फाइनली आपको फी पेमेंट करना है। फी चेंज हो गया बेसिकली ये 35K हो गया, ठीक है। तो ये 35K हो गया, पहले वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपका 32K था बट अभी ये फीस 35K हो गया फॉर जनरल EWS OBC। एंड जिन लोगों ने SAF एंड PF बोथ पेमेंट कर दिए थे उनको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है। तो आपको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है, आपको ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है ना कोई फी पेमेंट करना है। उसके बाद हाउ मच टू पे इफ आई गेट एनी सीट इन सीसैप। तो 35,000 जैसे मैंने बोला एंड 12,000 फॉर SC ST PWD। जो लोग बोथ SAF एंड PF पेमेंट कर दिए थे नो नीड टू पे एनीथिंग, जस्ट चूज विलिंगनेस आफ्टर सीसैप राउंड वन रिजल्ट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक ये बहुत कॉमन डाउट होता है कि आपने जो समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए आपको क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो। दोज हु डी ऑलरेडी डिड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा पेड SAF एंड PF ओनली नीड टू चूज विलिंगनेस आफ्टर सीसैप राउंड वन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चूज विलिंगनेस करना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा फॉर सीसैप काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड। तो जिनको पहली बार सीट मिलेगा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, प्लस 10 मार्कशीट, प्लस 12 मार्कशीट, आधार कार्ड, बेसिकली स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको प्लस 12 का मार्कशीट अपलोड करना है, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड ऑफ JEE Mains, इमेज ऑफ पासबुक, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एंड देन कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको चाहिए होगा, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट टू डू आफ्टर सीसैप राउंड टू। जिनको पहली बार सीट मिला है आपको चूज विलिंगनेस करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है 35,000, देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड फाइनली आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। जो भी आपको कॉलेज मिला है उस कॉलेज वेबसाइट में जाइए, आपको डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, वो सारे फॉलो करके उसी दिन आपको रिपोर्टिंग करना है कॉलेज में। उसके बाद मेजोरिटी कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आएंगे, ऑलरेडी गॉट अ सीट इन सीसैप राउंड वन और जोसा। तो अगर आपको जोसा में या सीसैप राउंड वन में ऑलरेडी सीट मिल गया था आपको इसमें से कोई भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा फिजिकल रिपोर्टिंग करना है एट योर अलॉटेड इंस्टीट्यूट। स्टेप 4 आपको सीधा करना है, डेट्स एंड फर्दर प्रोसेस विल बी मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट। तो कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली आपको विजिट करते रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफंड पॉलिसी क्या है। तो रिफंड पॉलिसी में एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान रखना है, मस्ट विथड्रॉ बिफोर सीसैप राउंड टू। आपको सीसैप राउंड वन रिजल्ट आने के बाद विथड्रॉ कर लेना है अगर आपको सीट नहीं चाहिए। अगर आप सीसैप राउंड टू में चले जाते हैं आपको कुछ नहीं रिफंड मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीसैप राउंड वन इज द लास्ट चांस फॉर सीट विथड्रॉ, इफ यू गो टू राउंड टू यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। रिफंड पॉलिसी में बेसिकली ये कंपोनेंट्स है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। जो सा प्रोसेसिंग फी है ₹5,000, तो ये सबका कटेगा। उसके बाद जो लोग विथड्रॉ करते हैं विथड्रॉल फी अलग से 2,000 एंड इसके बाद अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं करते सीसैप राउंड वन में या फिर जोसा में बट डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल नहीं था कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गया, या फिर आप विथड्रॉ कर लेते हैं राउंड वन के बाद, सीसैप राउंड वन के बाद अगर आप विथड्रॉ कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा 2,000 कटेगा एंड इसके साथ सीसैप का प्रोसेसिंग चार्जेस भी है 5K। सो टोटल आपका 12K कटेगा, देन एडिशनल ₹2,000 विल बी डिडक्टेड। 5K इधर प्रोसेसिंग फीस एंड सीसैप का प्रोसेसिंग फी है 5K एंड देन इधर ये विथड्रॉल फी है ₹2,000 एक्स्ट्रा अगर आप सीसैप में करते हैं। सो इफ यू पेड बोथ SAF एंड PF मतलब टोटल
आपने 85,000 पेमेंट किए थे, 35 SA, 45 PF एंड 5,000 CSAP रजिस्ट्रेशन फीस। सो इसमें से आपको कितना रिफंड मिलेगा एंड आपको कैसे रिफंड लेना है तो बात करते हैं इस पे। पार्टिसिपेट इन CSAP, तो फर्स्ट स्टेप है आपको CSAP में पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है 5,000 दे के। उसके बाद आपको चूज विलिंगनेस करना है विथड्रॉ आफ्टर CSAP राउंड वन रिजल्ट, एंड देन CSAP राउंड वन रिजल्ट आने के बाद आपको चूज विलिंगनेस करना है विथड्रॉ, आपको सिलेक्ट करना है आफ्टर CSAP राउंड वन रिजल्ट, एंड देन आपको रिफंड मिल जाएगा। आपका बेसिकली 12K कटेगा। 12K में क्या क्या कंपोनेंट्स है मैंने बता दिया, 5,000 जो सा प्रोसेसिंग फी, 5,000 CSAP प्रोसेसिंग फीस एंड 2,000 विड्रॉल फी, तो टोटल आपका 12,000 हुआ। तो यू विल गेट 73,000 आउट ऑफ 85,000। इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 90 to 120 डेज, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड CSAP राउंड वन इज द लास्ट चांस फॉर सीट विड्रॉल, इफ यू गो टू राउंड टू यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। तो अगर आप रिफंड चाहते हैं आपको राउंड वन के बाद हर हालत में विड्रॉ कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं, इफ यू डोंट गेट एनी सीट इन CSAP यू विल गेट द अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5K। तो 5K बेसिकली CSAP प्रोसेसिंग चार्जेस है विच इज नॉन रिफंडेबल, तो आपको सिर्फ 40K मिलेगा आउट ऑफ 45K। इट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट 90 to 120 डेज, तो काफी टाइम लग जाता है। ये एक प्रॉब्लम है जो CSAP के साथ, बट आपको गारंटी रिफंड मिल जाएगा, हो सकता है 3-4 महीना लग जाए रिफंड आने में। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये है कंप्लीट लिस्ट एंड एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको कॉलेज वेबसाइट में मिलेगा, तो ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेना। सीट अलॉटमेंट लेटर बेसिकली वही लेटर है जो आपको फाइनल कॉलेज मिलेगा, उसी का सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए। एंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर, मतलब अगर आप पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करते या फिर आप IF2 जो इंस्टीट्यूट एडमिशन फी पार्ट 2 आप पेमेंट करते 35,000 का, उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर या फिर इसको प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी बोलते हैं, तो आपको इधर से मिल जाएगा। एंड बाकी का ये कंप्लीट लिस्ट आप देख लेना। एंड CSAP के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये हेल्प सेंटर्स का लिस्ट दिया है, NIT प्लस सिस्टम, हर एक कॉलेज का नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर, तो उस कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप डिस्कस कर लेना कि ये डॉक्यूमेंट में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक CSAP वेबसाइट में जाइए, इधर से आपको एक PDF मिलेगा, उस नंबर पर कॉल करके जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना, तब आपका पूरा काउंसलिंग स्मूथली हो जाएगा। आप कॉल करके मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये मेरा डाउट है, ये डॉक्यूमेंट में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, इसे कैसे रिजॉल्व करूं, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट से आपको जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो उन्हीं कॉलेज में हम पहुंचाएंगे, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस पे आप पहुंच रहे होंगे। तो हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना एंड ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इधर CSAP काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता दूंगा, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे आता रहेगा, पूरा CSAP काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे एंड तक, तो चैनल में बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस आता रहेगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाय।